नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मारो राजस्थान की बड़ी खबर के साथ। कैप्टन राजपाल से मिलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगभग आज अभी आधे घंटे बाद, यानी कि लगभग 4:30 बजे के आसपास राजपाल से मिलने के लिए जा सकते हैं कैप्टन। और आपको ये भी बताते चलें कि कैप्टन के इस्तीफे पर अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। हमारे राजस्थान में खबरों की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 4:30 बजे राज्यपाल से मिल सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उनकी अटकलों की जो इस्तीफे की अटकलें हैं वो भी तेज हो चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सिद्धू और कैप्टन अब आमने सामने आ चुके हैं। कैप्टन खेमा और सिद्धू खेमा जो है वो एक दूसरे को ही, यानी कि सिद्धू को और अमरिंदर सिंह को कमान देना चाहता है पंजाब की। और उसको देखते हुए आज जो है वो घमासान मचा हुआ है पंजाब की राजनीति में, सियासी गलियारों में। अभी भी अटकल लगाई जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जब बैठक शुरू हुआ 5:30 बजे तो उसके बाद कैप्टन अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तो आपको ये भी बताते चले कि विधायक दल की जो बैठक होने वाली थी, जानकारी सामने निकल के आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उसमें शामिल नहीं होंगे। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से अटकलें तेज हो चुकी हैं कैप्टन के इस्तीफे की। और उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन, और आपको ये भी बताते चले कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। विधायक दल की वो बैठक जिसमें अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश की जा रही थी सिद्धू की तरफ से, और जो भार था वो कंधों पर आ गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी कि उन्हें अपना विधायकों की जो लिस्ट है कहीं ना कहीं वो जारी करनी होगी, ये दिखाना होगा कि उनका वर्चस्व अभी भी कायम है पंजाब में। लेकिन आपको बताते चले वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये खबर आई। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को सदस्यता भी दिलाई है। बाबुल सुप्रियो ने बयान जारी किया है और उन्हें कहा है बयान जारी करते हुए कि काम करने के लिए टीएमसी से जुड़ा हूं, बंगाल की सेवा का मौका मुझे जो है वो टीएमसी दे सकती है, दीदी को मेरे प्रचार की अभी जो है वो जरूरत है। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी शामिल हुए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि दल बदल करते हुए उन्होंने दामन जो है वो टीएमसी का थाम लिया है और बीजेपी से किनारा कर लिया। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि संन्यास ले लूंगा राजनीति से, ये भी खबरें सामने आई थी कि बाबुल सुप्रियो ने कहा है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं बाबुल सुप्रियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, अभिषेक बनर्जी ने आपको बताते चलें बाबुल सुप्रियो को सदस्यता दिलाई है, इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि आपको यही बताते चलें कि बाबुल सुप्रियो ने सीधे तौर पर कहा है कि काम करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की सेवा करना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी मुझे यह मौका दे सकती है, यही कारण है जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं टीएमसी में शामिल हो जाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। बंगाल की सेवा का मौका मिलेगा मुझे, टीएमसी वो मौका देगी, ये कहते हुए बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का हाथ छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पाक की खुफिया महिला एजेंट की मीठी मीठी बातों से हनी ट्रैप में फंसे पोस्टमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला एजेंट पोस्टमैन से पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप पर बातें कर रही थी। महिला एजेंट ने पोस्टमैन को एक रिश्तेदार का आर्मी की अच्छी यूनिट में ट्रांसफर करने का झांसा दिया था। इससे आर्मी के लेटर की फोटो मंगवाने लगी थी और पोस्टमैन रेलवे डाक सेवा में लगा हुआ था। आरोपी को 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस ने जांच के बाद पोस्टमैन को जेल भेज दिया है और जोधपुर के खेड़ापा के रहने वाले भरत बावरी की आर्मी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताते चले उसकी 3 साल पहले रेलवे के डाक विभाग में नौकरी लगी थी। वह जयपुर में आर्मी के डाक की छटनी करता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया था।
छह महीने पहले उसके मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर से महिला का एक मैसेज आया। भारत ने आपको बता चले मैसेंजर पर ही उसे जवाब दिया। तब धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। महिला एजेंट ने उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया, उसे प्यार भरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया। महिला ने भरत को बताया कि वह पोर्ट ब्लेयर में नर्सिंग करने के बाद MBBS की तैयारी कर रही है। उसने बोला कि वह जल्द ही जयपुर में आएगी, तब दोनों मिलकर साथ घूमेंगे और पार्टी करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में आए दिन मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला जयपुर के हनुमान नगर में सामने आया है। आपको बताते चले पेंसिल खरीदने गई 10 साल की मासूम बच्ची के साथ किराना व्यापारी ने अश्लील हरकतें कर डाली। रोते हुए घर आकर बच्ची ने माँ को पूरी बात बताई। बच्ची को पेंसिल देने के बहाने व्यापारी ने छेड़खानी की थी। बच्ची की माँ ने कालवाड़ थाने में किराना व्यापारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और हनुमान नगर के रहने वाली 33 साल की विवाहिता ने बताया है कि 17 सितंबर की शाम को 10 साल की बेटी कॉलोनी की दुकान पर गई थी। उसे होमवर्क करने के लिए पेंसिल की जरूरत थी। वह करीब 15 मिनट के बाद रोती हुई घर वापस आई। यह देखकर माँ घबरा गई। उसने बच्ची को चुप करवाते हुए प्यार से पूछा, तब जाकर कहीं उसने बताया कि दुकान पर जाकर अंकल से पेंसिल मांगी। तब उन्होंने दुकान के अंदर बुला लिया। उसने पूछा कौन सी पेंसिल लेनी है, फिर गंदी हरकतें करने लगे। माँ ने बताया कि दुकान के मालिक ने अकेला देखकर गंदी हरकतें की मासूम बच्ची के साथ। वह गुस्से में आकर कालवाड़ थाने में पहुंची और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच SI रामेश्वर लाल को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।